मैडम आपका नाम? कविता। कविता जी आप यहाँ क्यों बैठी हैं? हम यहाँ इसलिए बैठे हैं क्योंकि हम नौकरी करने आए एक दिन, तो बोला 36 लोगों को कि अपने घर चले जाओ। जो पेशेंट की केयर कर रहा है बैठ के, उसको बोला आप तो टर्मिनेट हो गए, घर जाओ। जो पेशेंट की केयर कर रहा है उसकी फीलिंग देखो क्या थी और एकदम से क्या हो गई। हम उस 36 लोगों को बचाने के लिए यहाँ बैठे हैं। जो 261 लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन किया था, आज 2 साल हो गए, 6 महीने से इन्होंने हमें ज्वाइन कराया कि 6 महीने का गवर्नमेंट जॉब है, सब अपना प्राइवेट जॉब। जिसने 5 साल 6 साल किया होगा, आज उसका सैलरी स्केल बढ़ जाता या उसको पोस्ट मिल जाती, उसके बाद वो छोड़ के यहाँ आया क्योंकि हमारा सैलरी स्केल उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा था कि अपने फैमिली को सर्वाइव कर पाएंगे, कुछ और बेटर दे पाएंगे। लोग इतना स्टेट को चेंज करके दिल्ली में आए, जब वो उन्होंने सुना कि आप टर्मिनेट हो, नाइट ड्यूटी कोई करने है उसको बोला आप टर्मिनेट हो, वो कहाँ जाएगा? उसके प्रोटेस्ट करने के लिए हम सब यहाँ आके बैठे कि उन लोगों को वापस लो। अभी तक हमने कभी कुछ नहीं बोला, पूरा टाइम निकाल दिया हमने, आज तक नहीं बोला कि हमें कोई दिक्कत है। आज पहली बार किया प्रोटेस्ट कि 36 लोगों को बाहर निकाल दिया है। क्यों निकाल दिया है? ऐसे कोई नोटिस कोई नहीं देता। जब हमारे लेटर में लिखा है कि तुम छोड़ के जाओगे तो हमारे हॉस्पिटल को 1 मंथ नोटिस दे के जाओगे या 1 महीने का सैलरी दे के जाओगे, तो हमें भी ये हक होगा ना। हम अपने छोटे छोटे बच्चों को क्या बोलेंगे? या जिस जो लड़का है या कोई लड़की है जो 30 साल की हो गई है, जो 34 साल का हो गया है, जिसने शायद OBC ST का कुछ क्रेडिट करके उसको मिला होगा 30+ होने के बाद भी, वो कहाँ जाएगा? जिसके बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि मेरे घर में मेरे पापा या मेरी मम्मी मेरा सब कुछ देंगे, लोग अपना फीस नहीं दे पा रहे, रूम का रेंट तक देना है। इतना कुछ सफ़र करने के बाद आज हमने आवाज़ उठाई है। लोगों को जो प्रेग्नेंट थी वो लोग यहाँ के बैठे हैं, वो लोग यहाँ के बैठे जो प्रेग्नेंट है, और इन्हें बोला है कि आप घर पे बेड रेस्ट कीजिए नहीं तो आप यहीं डिलीवर कर जाओगे बच्चे को, वो लोग भी आके बैठ रहे हैं। तो क्या मतलब है? लोग अपने बच्चे को पालने के लिए 6 महीने का मैटरनिटी लीव, हमें 1 महीने का मैटरनिटी लीव भी नहीं मिल रहा, 6 महीने का विदाउट पे लेके काम कर रहे हैं, कभी सवाल नहीं उठाया। किसी का एक्सीडेंट भी हो गया तो हमारे पास सिर्फ 5 मेडिकल होते हैं जो हम 2 महीने का सर्विस देने के बाद ले सकते हैं। 6 महीने में से 2 महीने का सर्विस करेंगे फिर हमें मेडिकल मिलेंगे, हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। सबसे ज़्यादा काम हम करें, सबसे ज़्यादा रात की ड्यूटी हम करें, सबसे लेट हम जाएं, सबसे जल्दी हम आएं, फिर भी सबसे ज़्यादा हम यहाँ सर्वाइव करें। जितनी हमारी सैलरी है परमानेंट, उसमें से 3 लोगों को सैलरी दे सकते हैं हमें, और हम 3 लोग काम कर रहे हैं, वो लोग बैठे रहें और हम काम करते रहें। उसके बाद भी लोग हमें क्या करें कि आप अपनी मर्जी से आए थे, हमने आप लोगों को नहीं बुलाया था, लेकिन आपने वैकेंसी निकाला ना। मोदी जी ने क्या बोला कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम लोग जो हमारे माँ ने हमें पढ़ाया, अपना जो भी है कुछ नहीं छोड़ा, लोगों ने घर नहीं बनाए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाया, यहाँ के जॉब करें, लोगों को सर्व कर दो, लेकिन फिर भी कोई नहीं। मोदी जी कहाँ है? मोदी जी ने सुना नहीं? हमें 26 दिन हो गए, कोई भी मंत्री हमने नहीं छोड़ा होगा, BJP का कोई भी मंत्री जिसके घर हम नहीं गए होंगे, 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार नहीं। नड्डा जी को भी कुछ नहीं पता, उनके इलेक्शन हो रहे हैं जो खत्म ही नहीं होंगे, अब खत्म भी हो गए तो भी खत्म, तो उनको जाके पूछे अच्छा ये हो रहा है, मुझे तो ये बात पता नहीं थी। ऐसे कोई कैसे कह सकता है जो 26 दिन से लोग रोड पे बैठे हैं, अभी हम मर गए हैं यहाँ पे तो भी मुझे लगता नहीं किसी को कुछ फर्क पड़ेगा। DDA सर बुलाएंगे डायरेक्ट पुलिस वालों को कि इनको यहाँ से उठाओ लाठी मार के भगाओ, क्या मतलब? हम यहाँ बैठे तो वो पुलिस वाले हमारी दराई हमें दरे भी उठा के लिए चले गए, हम नहीं देंगे, बताओ क्यों नहीं देंगे? आज हम हवन करने बैठे उन लोगों ने हवन करने नहीं दिया, उनको इतना डर है कि हमने यहाँ पे आग दिलाई तो हम में से कोई मर जाएगा, इतना डर है तो करते क्यों नहीं है कुछ? पूरे परमानेंट स्टाफ यहाँ आते हैं सुबह 8 से 11 छोड़ के कि हमें स्टाफ दो, उनकी मांग थी पहले जब हम लोगों को लिया गया क्योंकि स्टाफ की जरूरत थी, उन्होंने लिया, अब फिर हम यहाँ बैठे हैं। अब वो लोग क्या बोल रहे हैं? हम आउटसोर्सिंग पे स्टाफ ले लेंगे, हमें नहीं लेंगे लेकिन आउटसोर्सिंग पे स्टाफ लेंगे। आउटसोर्सिंग का मतलब ये कोई छोटी सर्विस है कि आज हमने घर बनाया और चलो, ये एक सर्विस है जो कंटिन्यूस चलेगी, जब तक इस दुनिया में लाइव है तब तक ये सर्विस चलेगी, कभी खत्म नहीं हो सकती। लोग बीमार होना बंद हो जाए तो सरकारी हॉस्पिटल बंद नहीं हो जाए? प्राइवेट वो मैक्स हॉस्पिटल देखो बंद हो गया, उसने क्या किया? वो प्राइवेट था, लेकिन अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन भी ऐसा काम करेगा तो क्या फायदा ना गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का, हम भी प्राइवेट में जाके काम करें। और इतना बेटी बढ़ाओ ये युवा वो ये पता नहीं कितनी सारी चीज़ें मोदी जी ने चला दी होंगी, कौन सी बुलेट ट्रेन चला रहे हैं, कहीं से कुछ चला रहे हैं, लेकिन वो तो देखो लोगों को खाना चाहिए, छत चाहिए, रहने के जगह चाहिए, वो तो है ही नहीं, लोग तो भूखे मर रहे हैं और जिनका जॉब है उनको बाहर निकाल दिए, हम कब तक यहाँ बैठे रहेंगे कब तक? अभी हम मर जाएं, मंडे से अगर कुछ नहीं हुआ तो हम भूख हड़ताल बैठेंगे,